एक बार फिर से सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम काफ़ी दिन से बात कर रहे हैं आपके एग्ज़ाम की, असाइनमेंट की। सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हैं रिजल्ट को लेकर। रिजल्ट कब आएगा उनका, एग्ज़ाम का क्या हुआ, और जो अब ABE हो रहे हैं उनका क्या होगा, और साथ ही जो आपके जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो परेशान हैं हमारा एग्ज़ाम होगा, ABE होगा। हालांकि मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं इसके ऊपर, लेकिन फिर भी मैंने कहा था तक नोटिस नहीं आ जाएगा, मैं आपको कुछ क्लियर नहीं करूँगा। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके असाइनमेंट्स बेस्ड इवेल्यूशन के बारे में, आपके OBE के बारे में सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए। और साथ में आपको पता है मैंने नई ऐप लॉन्च कर दी है एडोटेक्स नाम से, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगी SOL NCERT की इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और साथ ही आपको असाइनमेंट के आंसर लिखने में भी हमने काफ़ी हेल्प की है, उस ऐप पर आपको PDF भी दी है और यहाँ भी आपको PDF प्रोवाइड की है चैनल पर। चलिए तो अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की। गाइडलाइंस पॉलिसी रिलेटेड विद द ग्रेडिंग रिजल्ट फॉर इंटरमीडिएट सेमेस्टर और टर्म ईयर स्टूडेंट्स फॉर ऑल UG एंड PG, ये सभी के लिए है जो कि अभी सेमेस्टर मोड में या एनरोल मोड में पढ़ रहे हैं और UG और PG के अंदर अभी एनरोल है। और साथ में ये जो एप्लीकेबल है किस पे, प्रोग्राम्स ऑल स्ट्रीमिंग इंक्लूडिंग NCERT एंड SOL, तो ये BA और BCOM खासकर उनके लिए है जो NCERT और SOL में पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस आया है आपका फॉर द एकेडमिक सेशन 2021, जो आपके सभी डाउट क्लियर कर देगा। दिस इज़ इन कंटिन्यूशन ऑफ द नोटिफिकेशन विद द सबमिशन ऑफ मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एक्स्ट्रास एंड ओपन बुक एग्जामिनेशन, ये आपके हो रहे हैं, तो इसके बारे में नोटिस आ गया है। ये दे कैन बी अडॉप्टेड एज एन ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ एग्जामिनेशन बाई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो ये एग्ज़ाम होंगे उसके लिए ये आ रहा है। तो ये बोल रहा है आगे आपसे, यहाँ थोड़ा डाउट क्लियर हो गया कि OBE की बात कर रहा है कि ABE की, ये दोनों की बात कर रहा है, ठीक है। ये COVID-19 पैंडमिक जो चल रहा है उसके लिए जो फाइनल सेमेस्टर के यानी कि सिक्स सेमेस्टर या टर्म यानी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के जो एग्ज़ाम हैं 2020-21 जो कि अप्रैल 21 को लिखा गया था, ठीक है, उनकी जो गाइडलाइंस आई थी, उनका OBE एग्ज़ाम हो गया था, उसको भी ये कंसर्न कर रहा है, रेज कर रहा है सेकेंड फोर्थ सेमेस्टर के साथ फाइनल ईयर को भी। इन व्यू ऑफ द प्रिवेलिंग कंडीशंस, कोविड चल ही रहा है अभी, इट इज़ नोटिफाइड दैट इंटरमीडिएट सेमेस्टर टर्म ईयर स्टूडेंट शैल बी ग्रेडेड, अब आपकी ग्रेडिंग होगी इसका मतलब, विद अडॉप्टिंग ऑल्टरनेटिव मोड फॉर द सेम एज कंडक्टिंग एग्जामिनेशन फॉर इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर, लिखा भी हुआ है साथ साथ फर्स्ट ईयर एंड फोर्थ सेमेस्टर एज वेल एज सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, उनके लिए है। तो उनके लिए क्या हो रहा है आपका एग्ज़ाम और ABE हो रहा है, तो ये हो गया मेन बात इसकी। अभी आगे चलते हैं। द मैटर वाज डेलिब्रेटेड इंटेंसली इन द वर्किंग ग्रुप कमिटी और डिसाइड किया गया एज अ स्पेशल मेजर फॉर प्रमोशन और रिजल्ट शैल बी अडॉप्टेड यूजिंग ग्रेडिंग मेथड, ग्रेडिंग का मेथड लगाएंगे और आपको प्रमोट करेंगे आगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे उसको समझने की ज़रूरत है, ग्रेडिंग क्या है। स्टूडेंट्स ऑफ इंटरमीडिएट सेमेस्टर और टर्म ईयर, ग्रेडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स कुड बी कंपोजिट ऑफ 50% मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ असाइनमेंट बेस्ड इवेल्यूएशन जो चल रहा है फोर्थ सेमेस्टर का, इंटरनल असेसमेंट अडॉप्टेड बाय द यूनिवर्सिटी जैसे कि NCERT के अंदर होता है वेर एवर एप्लीकेबल, एंड द रिमेनिंग 50% मार्क्स कैन बी अवार्डेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द प्रीवियस सेमेस्टर और टर्म ओनली। यानी जो स्टूडेंट्स सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं खासकर, उनको जो आपको मिलेंगे मार्क्स वो डिपेंड करेंगे आपके फर्स्ट सेमेस्टर के OBE और थर्ड सेमेस्टर के OBE। जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो उस समय अभी फोर्थ सेमेस्टर में, तो आपका जो थर्ड सेमेस्टर का जो रिजल्ट आया है OBE का, अभी आया नहीं है, उसको बताऊंगा उसके बारे में वीडियो के एंड में। और साथ में जो आपका आप हो सेकेंड सेमेस्टर में, तो जो आपका OBE का रिजल्ट आएगा फर्स्ट सेमेस्टर वाला, उसके हिसाब से आपका बनेगा 50% रिजल्ट, और 50% बचेगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ असाइनमेंट बेस्ड इवेल्यूएशन। तो अब क्लियर है इससे साफ साफ कि सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का अब होगा ABE, यानी कि असाइनमेंट बेस्ड इवेल्यूएशन होगा उनका, आधे नंबर उसके काउंट होंगे और आधे नंबर काउंट होंगे आपके OBE का। इसका रिजल्ट अभी आना बाकी है, अभी आया नहीं है, क्यों नहीं आया, कैसे नहीं आया, उसमें बाद में आपसे बात करूँगा वीडियो के एंड में। एग्जाम्पल दे रखा है, फोर स्टूडेंट्स ऑफ सेमेस्टर फोर एंड सेकेंड, दिस विल बी ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ 50% ABE एंड 50% ड्यूरिंग सेमेस्टर वन और थ्री एग्जामिनेशन, ये आपको मैंने समझा ही दिया, ठीक है। जिनके एग्ज़ाम हुए नहीं, जो एग्ज़ाम दे ही नहीं पाए, उनका क्या होगा, उनके लिए है 50% असाइनमेंट बेस्ड इवेल्यूएशन और 50% इंटरनल असेसमेंट। तो ये SOL वालों पे लागू नहीं होगा, NCERT पे लागू हो जाएगा अगर उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिए,
तो उनका जो इंटरनल असेसमेंट का रिजल्ट था उसको फॉलो कर लेंगे। ठीक है, अब प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर एनुअल सेमेस्टर मोड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर यूजी स्टूडेंट्स, ये किसके लिए फॉलो किया जाएगा? ये फॉलो किया जाएगा एनसीईआरटी और एसओएल के लिए, ये भी यहाँ पर साफ साफ क्लियर है। और प्रोसीजर फॉर सेकेंड सेमेस्टर और पीजी स्टूडेंट्स विद एसओएल एनसीईआरटी, मतलब सीधी बात है, ये जो भी स्टूडेंट सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं और फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं यूजी और पीजी के, उन सब पे ये एप्लीकेबल है। और आपकी होगी ग्रेडिंग, 50% नंबर लगेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आपके परफॉर्मेंस इन ओबीई जो आपका लास्ट टाइम हुआ, और 50% लगेंगे आपका ऑन द बेसिस ऑफ एबीई, ये लिखा है फर्स्ट लाइन में। ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देर असाइनमेंट एज पर शेड्यूल नोटिफाइड, जो भी आपको एसओएल एनसीईआरटी पर शेड्यूल दिया गया असाइनमेंट सबमिट करने के लिए, उसके हिसाब से आपको असाइनमेंट सबमिट कर देने हैं। चैनल पर आपको उसके आंसर मिल जाएंगे, तो उसकी चिंता ना कीजिए, ठीक है, वो भी आपको आंसर सबके मिलेंगे। बाकी और कुछ इतनी खास की बात नहीं है, बस ये है ऑल क्वेश्चंस फॉर ए बी शैल बी बाइलिंगुअल और स्टूडेंट शैल सबमिट देयर असाइनमेंट ऑन द पोर्टल फॉर एसओएल एनसीईआरटी। एसओएल का चल ही रहा है अभी, सेकंड सेम का अभी चलेगा, उसका भी आ जाएगा डेट शीट, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आप चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें इसको, और अब बात कर लें रिजल्ट की, रिजल्ट कब आएगा आपका। ठीक है, तो जहाँ तक रिजल्ट की बात है, रिजल्ट जो है आपका एसओएल का और एनसीईआरटी का अभी डिले है, अभी कॉपी चेक नहीं हुई है, तो अभी इसमें टाइम लग रहा है। लगता है एबीई का और ओबीई का रिजल्ट मेरे को लगता है साथ साथ ही आएगा, तो थोड़ा वेट करें, थोड़ा पेशेंस रखें। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।